शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी के दिन कौन से पांच काम करने से महागौरी प्रसन्न होती हैं? नमस्कार, एस्ट्रो दर्शन के कार्यक्रम में महाअष्टमी के दिन विशेष पूजा को जानेंगे। शक्ति की आराधना के लिए नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ माना गया है। दुर्गा अष्टमी का व्रत 3 अक्टूबर 2022 को पड़ रहा है। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप की महागौरी की पूजा का विधान जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि दुर्गा अष्टमी यानी कि महाअष्टमी के दिन कौन से काम करने से महागौरी प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि माता रानी को लाल रंग की चुनरी में कुछ सिक्के और बतासे रखकर चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा की विशेष आशीर्वाद प्राप्त होती है। मान्यताओं के अनुसार प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अष्टमी तिथि पर महागौरी माँ को श्रीफल का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। पूजा में नारियल या नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। फिर भोग लगाने के बाद उस नारियल को प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट दें। तीसरा, घर के सुख समृद्धि और शांति के लिए दुर्गा अष्टमी के दिन तुलसी जी के पास 9 दिए जलाएं और उनकी परिक्रमा करें। घर के सभी रोग दोष नाश हो जाएंगे और परिवार के सदस्य में प्रेम बढ़ेगा। महाअष्टमी के दिन आप माँ महागौरी के बीज मंत्र का जाप करें, उनकी कृपा प्राप्त होगी। महागौरी बीज मंत्र ओम क्लिंग ह्रीं वरदाय नमः 108 बार अवश्य करें। पूजा के अंत में आपको महागौरी की आरती कपूर या गाय के घी के दीपक से करना चाहिए। हमारे कार्यक्रम अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आपके रिलेटिव्स और आपके जानने वाले भी महाअष्टमी के दिन विशेष पूजा को जानेंगे। नमस्कार, बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।